भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बोल रहा हूँ, जो पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे जाके पार्ट वन पार्ट टू देखो, वरना है कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है आप लोगों के, ठीक है। और जो है सो जो देख लिए ये देखो, ये फाइनल पार्ट है, इसके आगे कोई पार्ट नहीं है, इसमें मैं पूरा बोल डाला, जाओ देखो। एंड में भाई कमेंट याद से करो, मेरे कमेंट करते तो बहुत अच्छा दिखता, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। चलो देखो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू पार्ट थ्री। आप ना यहाँ तक देखें ना पूरा, अब यहाँ से आगे की कहानी सुनो। तो नौशीर की जो है सर्जरी वर्जरी है अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें ठीक हो गया, उसके बाद नौशीर स्टंटिंग बंद कर वाला, ठीक है, टोटली बंद। मगर थोड़े लोग मेरे को मैसेज करके पूछे नौशीर का इंतकाल हो गया क्या, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ भाई, अल्लाह ताला हयात दिए उसको, अल्लाह के हाथ में है भाई हर चीज़। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को आज तक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ना मैं आज तक कभी मेरे को ग्लूकोज चढ़ा, ना मैं आज तक कभी जाके हॉस्पिटलों में इलाज ना कराया। लोग थोड़ा सिर का दर्द भी हुआ तो डॉक्टर, मेरे को नफरत है हॉस्पिटलों से, शोरा है डॉक्टर, मेरे को बहुत नफरत है हॉस्पिटलों से। अल्हम्दुलिल्लाह कभी बुखार उखार आया तो टेटानस के इंजेक्शन बहुत लिया मैं, मगर ये छुप गया वो छुप गया। तो बहरहाल 2014 की शुरुआत नौशीर भाई के हंगामे से हुई। 2014 में मैं हमजा करते थे स्टंटिंग, कोई गंडी पेट को जाते थे, और ये जो फोटो है ना, मैं गाड़ियाँ उठाया हुआ हूँ उस हाथों से पकड़ के, इसके पीछे भी एक ज़बरदस्त सीन है। बीच में क्या हो गया था, नींद में से उठते कि जीवी के वन मॉल चले जा रहा हूँ, इलियास के पीछे बैठ के ब्रश जीवी के वन मॉल जाके करता था, मेरा ब्रश जीवी के वन मॉल में रखा हुआ था। तो एक बार वहाँ पे जाके, वहाँ पे भी जीवी के वन करने भी स्टंटिंग करते थे, बच्चियाँ देखना बोली, अजीब जुनूना थे मेरे को टाइम पे, ऐसा कोई कॉलेज नहीं था जहाँ के बच्चे आने पहचानते थे। मगर भाई एक ही थी अपनी गर्लफ्रेंड, वो टाइम चला ख़त्म ही हो गया था। तुम्हारे भाई का दिल तवायफ का कोठा नहीं बना, अंदर जो है 25-30 घुसे हुए है ना, उसके बाद गर्लफ्रेंड बनी ना अपन बनाए, बस खाली एक नाम होना बोल के ऐसा था। तो जीवी के अन को जाते थे, एक बार जीवी के अन से वापस आ रहे हैं तो रोड नंबर जुबली रोड नंबर 12 से आप जब पूरा ख़त्म होते KBR के पास पहुंचते, तो वहाँ पे MLA कॉलोनी आने के वास्ते एक स्लोप है, उसके बाद जो है सो कवारा ड्राइविंग करने आते MLA कॉलोनी आती। तो यहाँ पे पुलिस वाले ठहरे थे, हम व्हील व्हील मार लेते आ रहे, मेरे पीछे 10-12 गाड़ियाँ हैं, पुलिस वाले थे, मैं रोकता नहीं था, पुलिस वाले जाने दिए, पुलिस वाले सलूटा मार रहे, मैं बोल रहा हूँ पुलिस वाले सलूटा कैसा मार रहे, देख के परेशान हूँ मैं। तो वो अच्छा खासा एक किलोमीटर का ऐसा स्लोप के बाद ऐसा चढ़ा हुआ है, तो वहाँ आगे जाके देखा मैं तो वहाँ पे पूरे पुलिस वाले बैरिकेड डाल के रखे हुए। अब मैं घट तो सकता नहीं भाई, घटा तो मेरी भी गाड़ी नहीं थी, इलियास की गाड़ी थी, इलियास साथ में था, राइट साइड के ऊपर कम से कम ये हाइट के, ठीक है, ये हाइट के डिवाइडर आए, अभी भी ये हाइट के डिवाइडर आए वहाँ पे, पूरी जो है सो घास फांस जली हुई है, उसके अंदर झाड़ा उगे हुए जो रहते हैदराबाद में मालूम है, अच्छे खासे हाइट के। तो मैं बोला अपन तो घट नहीं सकते, घट गए तो इलियास की भी गाड़ी जाती, पूरों की तबीयत से पूछ जीतते भी है साथ में, दूर से देख लिया मैं पुलिस वाले, मैं बोला पलटा लो गाड़ी, पलटा के वापस नहीं आ सकते पीछे, ये हराम के ठहरे हुए पकड़ने के वास्ते जो सलूटा मार रहे थे। मैं बोला भाई ये डिवाइडरों पे से गाड़ी उठा के वो तरफ डालो, वो तरफ डाल के भागना पड़ता, मेरे को तो कॉन्फिडेंस नहीं था मैं गाड़ी उठा सकता हूँ बोल के। बोला इलियास खाली गाड़ी को पीछे से पकड़, मैं डिवाइडर के ऊपर चढ़ता हूँ, चढ़ के गाड़ी का सामने का टायर पकड़ के उठाता हूँ, तो खाली जो है सो पीछे से सपोर्ट दे गाड़ी को। मैं चढ़ा डिवाइडर पे, गाड़ी का चढ़ाया, व्हील मार के चढ़ाया, व्हील मारते ही गाड़ी का टायर ऊपर आ गया, शॉक अब्जर पकड़ के खींच के गाड़ी को पीछे से पूरा, पीछे से इलियास थोड़ा सपोर्ट दिया, फिर वो तरफ डाल के बाकी के जितने बच्चे थे उन लोगों के भी गाड़ियाँ ये तरफ डाल के वहाँ से लेके पूरों को रॉन्ग साइड, इधर भी नहीं भागा फिर रॉन्ग साइड, जहाँ पुलिस वाले ये तरफ ठहरे हुए थे ना पीछे की तरफ,
पीछे की तरफ रॉन्ग साइड, वहाँ पे पुलिस वालों को सीटियाँ मार के बाय बाय टाटा कल पकड़ो बोल के चले गए। तो वो गाड़ियाँ ऐसा उठाना सिखाता। उसके बाद मैं बोला अरे गाड़ी उठा सकते हैं अपन, क्या करना गाड़ी को गियर में डालना, गियर में डाल के भाई जिसके अंदर बॉडी में जान है ना चौकअप तरह पकड़ के ऐसा सीधा उठाओ गाड़ी उठ जाती। तो वो सीन है गाड़ियाँ उठाने का। 2014 में आसिफ नगर से हसन बोला था, उमर बोला था, मेरे को याद नहीं है भाई, एक बच्चा है व्हील के ऊपर रेस लगाता हूँ बोल के बोला। तो बोला ठीक है रे भाई, कितने की लगाता पूछ रहा। तो भाई क्या है कि आप बात कर लो बोल के नंबर दिया। तो भाई आप ना मिलो गंडी पेट पे अपन ना जो है सो व्हील की रेस लगा लेंगे, जो भी पैसे है देख लेंगे। तो मैं बोला ठीक है। मैं हमदा को कॉल करा, मेरे पास गाड़ी नहीं थी, जब इलियास की गाड़ी ख़राब थी। बोला हमदा गाड़ी है क्या तुम्हारे पास? तो हाँ भाई है मेरे पास गाड़ी बोल के बोला। मैं बोला व्हील की रेस करते बच्चे लगाते करते, क्योंकि नए राइडर ना पैदा हो गए हैदराबाद में। ये बच्चा था वो सरदार जी बच्चा, उसकी फ़ोटो है देखो। उन्हें परसों मेरे को मैसेज करा तो मेरे को ये याद आया था, मगर वैसे तो याद था मेरे को ये। तो हम मैं हमजा गए, मैं हमजा उमर था, मेरे को अच्छा याद है उमर था और जो है सो और कौन थे मेरे को याद नहीं है। मैं हमजा उमर ये तीन जने थे वो तो याद है, और थोड़े बच्चे थे हम लोग के साथ आए थे। तो वहाँ पे पहली बार हम लोग की मुलाकात हुई समद राइडर। हमजा पहले व्हील मारा, बोला एक ही चांस है, चाहे तुम्हारी गाड़ी उठो मत उठो, बैठ जाओ आधे रास्ते में बैठ जाओ, तुम पलट जाओ, उससे फ़र्क नहीं, हमजा जितनी व्हील मारा उतनी मार लो। क्या मैं मान लेता हूँ? पहले मैं पूछा मेरे में हमजा में कौन किससे लगा लेते भाई बोले। तो उन्हें बोला हमजा से लगा लेते, उन्हें हमजा को लल्लू पंजू समझा शायद। मैं बोला मारो हमजा में, हमजा उठाया तो लेके जाके वो कोने पर बिठाया। वो कोने पर क्या करे हमला उसकी एक बंदे को ले आके ठहरा था, ले भाई तू यहाँ पे ठहर जा। अब वो बेचारे को मारना था, मैं अगर उठाया फर्स्ट फर्स्ट में, गाड़ी कभी भी फर्स्ट में उठाते भाई, सीटिंग मार रहे तो फर्स्ट में उठा के सेकंड शिफ्ट करते कि उसकी गाड़ी न्यूट्रल पड़ गई, गाड़ी वही बैठ गई। समद राइडर के हाथ में पैसे थे, मैं बोला लाओ भाई पैसे दे डालो। तो समद राइडर बोले जब भाई भगाने में लगा लेते क्या रेस? तो हम ना बोले नहीं भाई नहीं लगाते हम ना, जब लाइफ में मैं पहली बार मिला था समद राइडर को। जो समद राइडर कौन है? आज हैदराबाद का टॉप का राइडर है, आगे देखो आप लोग। इफ्फू मिला, इफ्फू के साथ रात में KBR पे करता था मैं, हमदा नहीं आता था रात में, हमदा को रात में निकल लेने आए थे घर से बाहर, तो हमदा नहीं आता था रातों में KBR को। ऐसे करते गए करते गए करते गए, बीच में स्टंट शो आया। कौन सा कॉलेज था वो? वारंगल का कॉलेज है यार, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, NIT। NIT में स्टंट शो मिला था, इफ्फू को मिला था वो। तो वो स्टंट शो मैं, इफ्फू, हैदर बेचारा मरहूम हैदर, और जो है सो और एक बंदा था इफ़ू बुलाया था, मेरे को नाम भी याद नहीं है उसको। हम ना चारों जाके स्टंट शो करे थे ज़बरदस्त वहाँ पे NIT में, दो दिन थे NIT में। उसके फोटो डाल रहा हूँ, ये फोटो हैं देखो। स्टंट शो हुआ बाद अपने अपने घरों को क्या हुआ उतने टाइम के अंदर, इलियास तो साथ में था, इलियास साथ था, ताहा साथ था, हसन साथ था, ये इतना करते नहीं थे, इतना देखने वाले गैंग थे लोग, मगर इन लोगों का रोल अब ये वीडियो में बहुत ज़्यादा है। स्टंट कंपटीशन था, मैं, इफ़ो और एक बाहर का राइडर आया था वो, हम लोग जैसो और हैदराबाद के थोड़े बहुत राइडर थे उन लोग मिल के करे थे, मैं बोलना भूल गया था इसलिए अब जा रहा हूँ, ये देखो आप लोग। उसके अंदर वो बाहर का राइडर जो था बहुत अच्छा राइडर था वो, उन्हें फर्स्ट आया था, इफ्फू सेकंड आया था, मैं थर्ड आया था। टू आधा ऐसी गुजरा, स्टंटिंग वो ये वो, लोगों के गाड़ियां लेना बनाना चल रहा था समझो, ऐसे घर के दोस्तों के
अब जब स्टंट नहीं करता था, घर के दोस्तों में बैठता था, घर के पास के जो दोस्त थे जो मेरी उम्र के थे, ये लोग तो दूर रहते थे। हसन ताहा जो है सो इधर आसिफ नगर में रहते थे, इलियास जुबली हिल्स में रहता था, मैं रहता था टोली चौकी में। तो घर के पास के दोस्तों के यहाँ खाली टाइम में खाली बिलियर्ड्स खेलते थे जाके, रात भर बिलियर्ड्स खेलना, वहाँ पे दोस्त मिल गए थे, हम हमारे दोस्त थे पूरे। नामा जो है सो लोगों के, एक का नाम बसरा भी है, अभी भी दोस्त है मेरा, एक ऊपर से मैसेज आकर के याद दिला रहा था, राइडर तुम भूल गया, मैंने बोला भाई तुम्हारे को, बसरा भी है, आदिल है, सुल्तान मिर्जा है, वो तबर, ये घर के पास के बच्चे थे, महल्ले के बच्चे, यासिर, सैफ, मुनाफ, ये लोग दोस्तान थे, बिलियर्ड्स खेलने आते थे, रात भर वहीं बिलियर्ड्स पार्लर में ही बैठते थे। तो ऐसे होते होते अब जो नाना का घर था, नाना का घर बेचता ले, नाना नाना सामने फ्लैट ले लिए थे, फ्लैट ना ले लिए थे, तो शिफ्टिंग करना था। तो अपन ऐसे थे, अपन ऑलराउंडर है अलहमदुल्ला, तो बोला शिफ्टिंग करना है, किसको भी कहीं देते पैसे मैं करता हूँ। मैं क्या करा, ताहा को, हसन को और इलियास को बुला के हमने चारों मिलके पूरे घर की शिफ्टिंग करवा ले, और ऐसे ऐसे काम करा, मैं पूरे घर को पेंट भी करा करा सो मैं नौशाद और कौन से मेरे को याद नहीं है, मैं खाली बैठ के इंस्ट्रक्शन देता हूँ, था ना पेंट करते थे घर को, और घर से पैसे ले दो, बाहर वाले आके 5-5 हज़ार में करने से अच्छा मैं 1-1.5 हज़ार में करके डालता था घर वालों को, ये वन कलर करके देता हूँ था, वो दिल नानी मम्मी से होती थी मेरी, इतने पैसों में मैं पूरे घर को कलर कर देता हूँ। क्या करते थे, जब पैसे कमाते थे रहते नहीं थे, कमाते नहीं थे पैसे, जान से आए मैं तो इतना सेफ करता था पैसा वो टाइम पे। होते होते घर भी चले गया, फ्लैट में आ गए, वहाँ से मैं क्या करा, नाना नानी अमेरिका चले गए, मैं क्या करा बाबा कहने चले गया। 2015 चालू हुआ, 2015 में वो टाइम पे जो है सो लोग स्पोर्ट्स बाइक देखे भी नहीं थे हैदराबाद में, थे अगर ऐसा कॉमन नहीं थे, अब जितने कॉमन हो गए वैसे नहीं थे। तो एक दिन जो है सो मैं ऊपर लेटा हुआ था, तो मेरे को उमर का फोन आया, हमजा के बड़े भाई का, सगा सायरा भाई है मेरा, उम्र भी मेरे से 15-16 दिन का छोटा है कुछ। तो उमर का फोन आया मेरे को, कहाँ है राइडर, बोल गया मेरे को पूरे राइडर राइडर ही पुकारते आ रहे हो। तो मैं बोला घर पे हूँ, आओ तुम्हारे को एक चीज़ दिखाना है, बोला उमर। मैं नीचे उतर के गया, नीचे उतर गया तो उमर जो है सो CBR 600 पे ठहरा हुआ था। मैं लाइफ में पहली बार स्पोर्ट्स बाइक पे बैठा था, डर नहीं हुआ था भाई मेरे को, मगर ऐसा दिखा था अब गाड़ी टेक ऑफ लेने वाली है, वो मलकपेट की रोड जिसको मालूम है ब्रिज तक, वो फायर स्टेशन से लेके पूरा ब्रिज तक एक ही रोड है ना, उसके अंदर गड़ा है ना कुछ है ना क्या है। तो वहाँ तक उन्हें खींचा पूरा गाड़ी, मेरे ख्याल से 200 तक गई होंगी, आंखों में से पानी में था, कुछ नहीं दिखती रोड आपको आगे की। मैं बोला ये तो बहुत डेंजर चीज़ है, पहले कभी इतनी स्पीड पे बैठे नहीं थे, ये गाड़ियाँ FZ NS कितना चलते थे यार, 150 160 और क्या भागेंगी। तो मैं बोला मैं चलाता हूँ भाई, मैं आ जाऊँ, मैंने बोला पावर बहुत है दिख के चलो। उसके बाद क्या हुआ, स्पोर्ट्स बाइकों का दौर चालू हुआ। अब मैं उमर वहाँ पे रामकोट के ऊपर जहांगीर बोल के दुकान है, मैं उम्र वहाँ पे जाते थे, हर हफ्ता एक नई स्पोर्ट्स बाइक लेके आ रहे हैं, लोग परेशान है आ रहे हैं कहाँ से गाड़ियाँ बोल, और अल्लाह का शुक्र है हमजा मेरे को मारते मारते बच्चा मौत हो गई थी मेरी, जब इच एक हायाबूसा लेके आए व्हाइट कलर की, मैं स्पोर्ट्स बाइक का डालता हूँ, देखो ये व्हाइट कलर की हायाबूसा है, इस पर ईसा बैठा हुआ है, ईसा मेरा सगा छोटा भाई है, मेरे को 5 भाई हैं भाई, मैं, दानियाल, मूसा, ईसा, हारून, 5। We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Running wild.
उसके अंदर डाला, उसके अंदर डाल के वो थैली के अंदर उल्टी टोपी, मैं कहाँ जा रहा हूँ, जमात पे जा रहा हूँ, टी शर्ट टाइट नॉर्मल जैसा मेरे को आती फिटिंग की टी शर्ट, वैसे टी शर्ट जूते बैग लगा हुआ पीछे, बैग के अंदर कौन से कपड़े, टी शर्ट आ ट्रैक पैंट आ, मैं सोचा वहाँ पे भी जाके तीन दिन कौन सी तो भी जिम मिल जाती है वहाँ पे कर लेंगे, हमारे क्या मालूम था वो अल्लाह की तरफ से बुलावा था वो। मैं गया तीन दिन के वास्ते जमात में, तीन दिन से मैं फिर चार महीने कंटिन्यू करा पूरी जमात, तो चार महीने तक ही चलती जमात, उससे ज़्यादा नहीं चलती। मैं वहाँ से कंटिन्यू मैं क्या करा जाके जो है सो पूरी चिकनी हंडी करा लिया मैं, चौथे या पांचवे दिन मैं बोला अगर मैं चिकनी हंडी नहीं करा हैदराबाद के शैतान अब होते मेरे को बुलाने वाले, मेरे को फ़ोन आना आते थे, मैं क्या करा फ़ोन बंद कर डाला, सिम बंद कर डाला, फ़ोन बंद ही रहता था मेरा एकदम डिसअपियर, चार महीने के वास्ते मैं पूरा डिसअपियर हो गया था। बहुत कम लोगों को मालूम था, इलियास को एक को मालूम था मैं जमात में हूँ बोल के, कई को बोले तो मेरा रमज़ान भी एक जमात में गुजरा, तो ईद के दिन जो है फ़ोन खोल के बात कर रहा था मैं इनसे उनसे, तो इलियास का भी कॉल आया तो इलियास से ही बात करा था। तो मैं जमात के अंदर ज़हीराबाद मैसूर में रहा एक महीना, फिर जो है सो वरंगल गया मैं, विशाखापट्टनम गया मैं, और कहाँ कहाँ गया मैं, और कहाँ था याद नहीं आ रहा भाई मेरे को, कई को तो बहुत पहले की बात है। ज़हीराबाद फिर वापस आया था मैं, ज़हीराबाद से चालू हुआ था, ज़हीराबाद में फिर एक महीना था मैं कंटिन्यू आगे ज़हीराबाद से, तो चार महीने बिलाल भाई पूरे सुधर गए, बिलाल भाई जाहिल से इंसान बन गए थे, जब बहुत नॉलेज मिलती भाई, एक बार तो भी ज़िंदगी में जमात में जाना, चार महीने की तो एक बार जाना कैसा भी, जो भी अपने मुसलमान भाई है ना बहुत सीखने को मिलता। वैसे बचपन से तो अम्मा बाबा सिखाए हमारे को, मगर वहाँ पे जाके और दूसरे बात मालूम होते, जो बेसिक चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें मालूम होते। तो मैं चार महीने के बाद वापस आया, मेरे को इतनी इतनी दाढ़ी बढ़ गई थी, पूरी इतनी इतनी अच्छी खासी दाढ़ी आ गई, मेरी दाढ़ी बहुत जल्दी बढ़ती। घर को गया, बाबा से मिला, महल्ले के तो लोग देख के पलट पलट के देख रहे मैं ही छूँ कौन हूँ बोल के, अपन थे अलग ही किस्म के, अल्लाह ताला बना के भेजे किस्म के, कुर्ता ऊंचा पैजामा सर पे टोपी। मैं कुछ भी करने को रहता नहीं था, तो मैं क्या कर रहा था, मेरे को कबूतरा भी पालने का शौक़ है बहुत, तो मैं कबूतरा पाल लिया था लेके आके। अब राइडिंग राइडिंग करता नहीं था, छोड़ डाला था सब, बहुत से चीज़ें छोड़ डाला था। उसके बाद मैं घर से मस्जिद, मस्जिद से घर, ये ज़िंदगी हो गई थी। अब जो पुराने दोस्तों से मिला उन लोगों तो बेचारे देख के, उन लोगों का देख के ही परेशान हो गए मेरे को, अरे राइडर तुम, माँ को ये क्या हो गया, चलो अल्लाह का शुक्र है तुम सुधर गए बोले। मैं कह रहा उसके बाद सऊदी अरब चले गया, सऊदी अरब में मैं था, उसके बाद मेरे को जैसे वीज़ा चेंज कराना था, तो मेरे को इंडिया आना पड़ता था, तो मैं कुछ छः महीने के बाद इंडिया आया था, ठीक है। तो इंडिया आए बाद अब इंडिया में रमज़ान चालू हो गया था, अपन वही अपना घर को गए, नमाज पढ़ लिए, बाहर वापिस आ गए घर को, एक कोर्स ज्वाइन कर लिया था मैं बोला खाली कहीं को रहना, कोर्स तो भी कर ले सकते काम में आता बोलिए। अब इसी ऐसी चल रही थी, रमज़ान आ गया, तो रमज़ान में मलकपेट के ब्रिज के ऊपर राइडिंग चलती थी दबा के, वो इनॉग्रेशन वहीं करा था उसका रमज़ान के दिन, रमज़ान में संडे के दिन सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ लिए बाद, तो वो चीज़ा सब मैं छोड़ डाला था। मैं अपने आप को ऐसा बन आँखा, मैं नमाज़ पढ़ते ही घर को भाग जाता था, मेरे को वो चीज़ा दिखना ही नहीं बल्कि। एक दिन क्या हुआ, 15 या 20 रमज़ान कुछ था याद नहीं है मेरे को, तो मैं जो है सो नमाज़ पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ लेके बच्चे अच्छे अब कोई पहचानता भी नहीं था ज़्यादा मेरे को दाढ़ी में, नाम मैं बोलता था मैं कौन हूँ मुझे, तो मैं ये कह रहा देखेंगे आज कौन कौन मार रहे, कौन नए राइडर आ गए। मार्केट में बहुत नए राइडर आ गए थे, इलियास सीख गया था व्हील मारना, हसन सीख गया था, तहा सीख गया था, आ जाओ भाई साथ में बैठ जाओ, ऐसा करो आ जाओ। तो ये लोग सीख गए थे मगर ये मलकपेट पे नहीं आते थे, मलकपेट पे अलग बच्चे आते थे, बहुत हो गए थे हैदराबाद में राइडर आ जब। तो मैं जो है सो ठहर के, मेरे को इतनी बड़ी दाढ़ी आ गई थी,
कुर्ता पजामा टोपी ये सब मैं तो इज्जत से ठहर के देख रहा हूँ। तो बच्चे भी ठहरे हुए थे अतराफ में, जानते नहीं थे मेरे को कोई भी। तो अरे मुल साहब पीछे हटो यार, तुम कहीं को भी देख रहे, तुम्हारा क्या लेना देना है, बोल के बुलावे। मैं वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सका यार। मैं बोला अरे भाई, मैं दिमाग में सोच रहा, बोला किंग थे तुम ये चीज़ों के, ये बच्चे क्या बोल रहे तुम्हारे को। मोल मोल वो बच्चे की भी गलती नहीं थी, मेरा होलिया ही वैसा था ना, मोल साहब के ऐसा। तो मोल साहब पीछे हटो यार, तुम्हारा क्या काम है, कहीं को देख रहे हैं तुम्हारे, बोल के बोला मेरे को। 10 मिनट के अंदर छोटे भाई को कॉल करके मैं बोला तुम्हारी FZ, छोटे भाई का नहीं FZS थी दानियल के पास, मैं बोला गाड़ी ले लेके आओ, बोला ठीक है भैया लेके आ रहा हूँ, क्या बोला काम पे आऊँ, मैं बोला मैं मस्जिद के पास ही ठहरा हुआ हूँ, ले लेके आया। लेके आए बाद जो बच्चे मेरे को मोल साहब बोल रहे थे ना, मैं बोला अब कितने साल हो गए, 16 चालू हो गया था, 16 के अंदर। बोला इल्ला बोलेंगे मौली साहब जोश में आगे गिर गए, अगर मैं मार डाला इन लोगों के सामने, अगर गिर गया खुदा ना खास्ता, तो मैं क्या करा, अकबरबाग की रोड है हमारे घर के पास, जो मेन रोड है ना जहाँ स्टंटिंग चलती वहाँ है, उससे और एक बाजू में एक रोड है जहाँ मैं शुरू सीखा था मारना, वहाँ पे गया। दानियल की गाड़ी अच्छी पावरफुल ही थी, पहले जाके मैं कभी भी गाड़ी पे बैठे तो पावर चेक करता था गाड़ी में कितना पावर है, बोल के गया वहाँ पे व्हील मार के देखा, व्हील पहले नहीं उठी, उठ के बैठ गई मेरे से, फिर मार के देखा, फिर थोड़ा उठी बैठ गई। तो ये जो नए गाड़ियाँ हैं उन लोगों के अंदर जो सो वो नहीं रहता, क्या बोलते फ्यूल इंजेक्टर रहता, कंप्रेसर, अल्लाह अकबर, मैं गाड़ियों की चीज़ें भी भूल जा रहा हूँ यार, कार्बोरेटर नहीं रहता, ठीक है फ्यूल इंजेक्टर रहता। तो गाड़ी क्या आती जब उठती ना, पेट्रोल उन्हें सही भेजता ना इंजन को, तो उसका एक ही तोड़े, अब गाड़ी को ज़्यादा हाइट पे नहीं लेके जाना पड़ता गाड़ी को, तो उन्हें फ्यूल बराबर पास करते था। फ्यूल इंजेक्टर की गाड़ियों का बहुत प्रॉब्लम रहता, नए गाड़ियों में पूरे फ्यूल इंजेक्टर है, ये NS ड्यूक KTM ये पूरे फ्यूल इंजेक्टर आए, तो मेरे को वो चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद जो है स्टॉपी तो मान लेता, मैं अभी भी मान लेता हूँ, वो कौन सी बड़ी बात है, स्टॉपी ब्रेक का खेल रहता खाली, ब्रेक का और थोड़ा वेट डालना रहता। तो वो बच्चे ठहरे हुए थे वहीं ठहरे हुए थे, वो अच्छा खासा चलती, फजर की नमाज के बाद 5 बजे फजर की नमाज खत्म हुई तो 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 बजे तक चलती वहाँ पे राइडिंग, मरक पेट पे अभी भी चलती होंगी मेरे को आइडिया नहीं है। तो गया मैं जाके जो है वो बच्चे जहाँ ठहरे थे, मैं होना बोल के उन लोगों के सामने
तो बोला था उन्हें जो है सो वीज़ा नहीं भेजाया था। मैं बोला हल्ली बल्ली वापस जो है सो। मैं बोला ये बहुत तमाशा है और पुलिस वालों का बहुत टेंशन है। बोला पूरे हैदराबाद के राइडरों को बुलाओ, प्लानिंग करें हम पूरे हैदराबाद के छोटे मोटे बड़े जितने भी राइडर हैं पूरों को बुलाएंगे, एक मीटिंग करेंगे, प्रेस को बुलाएंगे, बुला के बोलेंगे हम लोगों को जो है सो हैदराबाद में एक स्पेसिफिक जगह जो जहाँ हम जाके जो है सो हमारी स्टंट राइडिंग स्पोर्ट्स है। तो हैदराबाद में राइडर बोलते कि चेन स्नैचर समझती पब्लिक अलग ही है, पुलिस वाले तो वही समझते, दुंगा बंडेरा चप्पूरा बंडी चप्पूरा यही है वहाँ पे। तो हम लोग क्या करें, नेकलेस रोड का एक एरिया है वहाँ पे जाके जो है सो हम लोग प्रेस को कॉल करें, बुलाए। इमरान भी था, इमरान राइडर, इमरान जो है सो तेलुगु में बात करा और प्रेस से हम लोग गए थे स्टंटिंग लीगल कराने के वास्ते। पुलिस वाले आ गए, हम लोग इलीगल होते होते बच गए। पुलिस वाले आते कि भाग, अपन पूरे भाग इतर बितर। प्रेस वो इंटरव्यू तो दे डाले थे, इमरान दे डाला था इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू का छोटा पार्ट डालता हूँ, मैं पीछे राइडिंग कर रहा हूँ, मैं फिर दोस्त मिलके दोनों जो है सो राइडिंग कर रहे हैं। అదే కేసీఆర్ సార్తోనే అప్పీల్ ఉంది, లీగల్ మాకు ఒక ప్లేస్ ఇచ్చేస్తే మేము దాంట్లోనే చేసుకుంటాము, బయటికి వెళ్ళాము, ఎవరికి డిస్టర్బ్ చేయము, ఏం కాదు న్యూసెన్స్. ఇంకా బయటికి వెళ్ళి రైడర్స్ వచ్చి ఇక్కడ షో చేస్తున్నారు, మాకు అవసరం లేదు బయటికి వెళ్ళి వచ్చి రైడర్స్ ఇక్కడ మేమే కేసీఆర్ సార్ మాకు సపోర్ట్ చేస్తే మేమే బయటికి వెళ్ళి చేసి కేసీఆర్ సార్కి పేరు వస్తుంది, హైదరాబాద్కి పేరు వస్తుంది, మా హైదరాబాద్కి వేరే ప్లేసెస్లో బొంబాయి ఢిల్లీ అక్కడ అన్ని ప్లేసెస్లో అందరికీ ఒక ప్లేస్ ఇచ్చేసారు స్టంటింగ్ చేసుకోవడానికి లీగల్. ఇంకా టీవీఎస్ స్పాన్సర్షిప్ అంతా కంపెనీస్ యాక్టర్స్కి చూస్తున్నారు. మజా ఆయా బుత్ లో బోలే భయ బుత్ జమానే బాద్ తుమ్హారీ వీల్ దేఖ్ కే మజా ఆయా. अब मैं क्या कर रहा था, वो दानियल के एनएस बेच डाला था, एनएस कहते सॉरी एफजेड बेच के मैं नॉर्मल पुरानी एफजेड ले लिया था। कहीं क्यों बोले तो वो कार्बोरेटर वाली रहती, ये फ्यूल इंजेक्टर के दिमाग ख़राब रहते, हाइड लेते कि भर बोल के पूरा चूस लेता उन्हें, इंजन को पेट्रोल ही नहीं मिलता, गाड़ी बैठ जाती। तो उसके बाद मैं अब कितने जने हो गए थे, मैं हसन ताहा इलियास हमदा नहीं आता था और कौन थे, समद राइडर, इमरान राइडर और जो है सो खुर्शीद राइडर। खुर्शीद तो अलकापुर के टाइम से देखता था कि हम लोग, मगर ये पूरे बाद में बने सो राइडर आए, ठीक है। और कौन थे, और नए नए बच्चे थे। हम लोग क्या करें, मेरे घर के पीछे शेखपेट बोल के एक एरिया है, वहाँ पे अच्छी बड़ी रोड है। तो बोला वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करेंगे राइडर अपना, एक बोले तो इन लोग वहीं जाके करने थे कहते, तो बोला वहीं कर लेंगे जाके अपन लोग। गए वहाँ पे, वो टाइम भी बहुत मज़ा आया, पूरे 8-9 राइडर। अब वो गैंगा वैंगा वो सब कुछ भी नहीं था। हम ना बोले हैदराबाद राइडर्स बोल के पूरे राइडर बन जाएंगे। अब जिसको आना था आए, भाई जिसकी गांड जली हुई थी वो लानी आए। हम ना मिले पूरे जने, बहुत अच्छा टाइम गुजरा वो भी। ये फोटोज वीडियो देखो, I'm not afraid to die.
क्या कर दो ना मालूम। अब मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी थी, ठीक है, एग्जैक्ट इतनी बड़ी दाढ़ी थी, मेरे को अच्छा था, यहाँ चस तक आती थी मेरी दाढ़ी। तो वो दाढ़ी जब मैं व्हील मारता था, वो दाढ़ी उड़ के ऐसा पूरा पीछे चले जाती थी, तो मैं क्या करता था, मुँह के ऊपर दस्ती बन लेता था। उससे क्या था मालूम, ज़्यादा लोग घूरते भी नहीं थे, तो एक दाढ़ी वाला व्हील मार रहा अच्छा नहीं दिखता था, तो वो बन लेके मारता था मुँह के ऊपर जो है सो मास्क बन ले। बीच में जो है सो KTM के रेसा होते थे ये अपने, तो उसमें भी गया था मैं, कि ये फोटो हैं। अब उसके बाद जो है सो वही चीज़ में फंस गया था मैं वापस जाके, मैं जहाँ से निकल के आया था ना, मैं वही चीज़ों में फंस गया था जाके। राइडिंग वही गाड़ियाँ बना लेते फिर रही, वो हैंड ब्रेक डाल ले रहे गाड़ी फूल, अजीब अजीब चीज़ें। अब मेरा दिमाग था पैसे कमाने का, भाई साफ बोल रहा हूँ, पैसे कमाना है। कहीं को बोले तो भाई आजकल तो पैसा है तो ही सब कुछ है, आपकी इज्जत भी है, पैसा है तो आप चार लोग हैं इज्जत से मिलते भी, आपके पास पैसा नहीं है, उधर से देखे पड़ जाते रहे नखरे पे, नखो जाओ उधर, ये हकीकत है। तो KBR भी जाता था मैं, एक दिन जो है सो मैं सोच लिया, मैं बोला अब इतने बड़े हो गए, मैच्योरिटी आ गई, अक्ल है, समझ है, दुनिया मालूम है, तो बोला आज जाके लास्ट KBR के ऊपर जो है सो मील मारेंगे, उसके बाद नहीं मारेंगे, फिर कभी भी छोड़ देंगे, बोल के सोचा। तो KBR के ऊपर जो है रात भर स्टंटिंग चलती, तो वहाँ पे गया KBR के ऊपर, करा स्टंटिंग, करा घर को आया, सब जने अपने अपने घरों को चले गए। गाड़ी बनाने के वास्ते छोटे भाई को दिया, उन्होंने बना के गाड़ी बेच देंगे, उन्हें गाड़ी बनाने का गया, पुलिस वाले पकड़ लिए गाड़ी। मैं बोला बहुत अच्छी चीज़ हुई, एक बार तो गाड़ी को नंबर प्लेट ही नहीं थे, तो बोला रख लो पुलिस वाले, थैंक यू। आज भी मेरी गाड़ी लंगर हाउस पीएस में पड़ी हुई है। उसके बाद नहीं मारा, मैं बोला छोड़ देना, कुछ भी फायदा नहीं है चीज़ में, मेरे को तो कुछ भी फायदा नहीं दिखा भाई। मेरे साथ के जो है ना आज भी वही करते, कमा लेते ना साइड में, और आज भी करते स्टंटिंग साथ में, बोले तो साथ वाले बोले तो, अब जो ये फिरदौस है, ताहा है, हसन है, समझ राइडर है, और जो है सो समझ राइडर की मेरी दोनों की बर्थडे एक ही दिन, एक ही डेट ऑफ बर्थ, वो बर्थडे भी बहुत ज़बरदस्त मनाए थे हम लोग वो टाइम पे, अच्छा याद है मेरे को। तो इन लोगों में से तो आदम के तो शादियां हो गए, हमदा की शादी हो गई, हमदा को दो बच्चे, हसन की शादी हो गई, हसन को एक बेटी है, समझ राइडर की शादी तो जबीच हो गई थी, समझ राइडर को भी बच्चे है, मेरी नौशीर की आज तक नहीं हुई शादी, और जैसे
साहा भी सिंगल है, इलियास की भी नहीं हुई शादी, ऐसे टाइम गुजर जाता भाई, मेमोरीज रह जाते, वो टाइम अच्छा टाइम गुजरा साथ में फूलों का, लड़ाया झगड़े सब चलते थे दूसरों से, मगर जो मेरे साथ थे वो आज भी साथी छे मेरे, कहीं नहीं गए सब, मेरी फॉलोइंग में पूरे आज भी उतने ही जने हैं, कोई कहीं नहीं गया, तो आज भी सब जने मेरे दोस्त ही छे, मेरे से हाई लेवल के राइडर हैं पूरे अब, ठीक है, मेरा जो लेवल था ना वो लेवल को ना क्रॉस कर डाले, बहुत आगे क्रॉस कर डाले, बहुत हाई लेवल के लोग, मगर आज भी मेरे से वैसे मिलते जैसा पहले मिलते थे, किसी में कोई अकड़ नहीं है। परसों भी मैं वीडियो बनाने गया तो उन लोगों के साथ, मेरे को बोल रहे हैं भाई तुम ही से बेस्ट राइडर हैदराबाद के, एक अच्छा टाइम गुजरा भाई उन लोगों के साथ, कई को बोले तो मैं कभी उन लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं करा, इसलिए आज भी उल्ला मेरे को चाहते, आज भी वैसी इज्जत करते जैसी वो टाइम पे करते थे, मेरे दिल में भी उन लोगों के हंसते वैसी इज्जत है, मेरे छोटे भाई कैसे समझ में, एक ही उम्र के बाकी के जितने भी है पूरे छोटे बच्चे हम लोग, तो ऐसा मैं स्टंटिंग छोड़ डाला आखिरी में। वो बोलते ना हर उरूज को जवाल देखना पड़ता बोल के, मेरी स्टंटिंग की फील्ड में मैं दो तीन बार उरूज भी देखा फिर जवाल भी देखा, फिर उरूज देखा फिर जवाल देखा। एक चीज याद रखो, आप राइडर कितने भी अच्छे रहने दो, आपकी गाड़ी, आप गाड़ी पे से गिरे तो आपको मारना पड़ते, आपकी गाड़ी खराब होती, ये पीछे जितने भी आते ना 50, 60, 100, 150, एक जना आगे एक रुपया नहीं देता, ये मेरा एक्सपीरियंस है, एक जना भी आके एक रुपया नहीं देता, कोई आपके आपके हॉस्पिटल की बिल नहीं बनने वाला है, खाली चढ़ाने वाले हैं पीछे वाले, आ राइडर क्या मार रहे हैं मारो, अल्हम्दुलिल्लाह नौशिर सही हो गया पूरा, नहीं उसको दिखता भी नहीं उसका एक्सीडेंट हुआ था बोल के, ऐसा नॉर्मल हो गया, तो खाली थोड़ा सा उसको यहाँ पे ब्लोटेड है, तो हासिल कुछ भी नहीं हुआ भाई, खाली एक नाम बन गया बिलाल राइडर भी, इसलिए मेरा नाम बिलाल राइडर, हर जगह बिलाल राइडर ही है, समझ में आया, मेरा ओरिजिनल नाम है मोहम्मद बिलाल फारूकी, ये मेरा ओरिजिनल नाम है, फारूकी सरनेम में मेरा, जिंदा तिलिस्मत फारूकी मंजन से आता हूँ, ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। तो ये थी बिलाल राइडर की स्टोरी, अच्छे दिन थे, सब कमाए, अल्लाह को जो मंजूर है आज यहाँ बैठे हुए आके, तो दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। मैं और नौशीर 2006 से दोस्त हैं और अभी भी है माशाल्लाह। We love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. बोल क्या बोल रहा था? चाय करते हैं मैं लेके आना करते हैं ऐसा पार्किंग कर लेते हैं भैया बोल लेगी मैं बोल बोल तुम्हें सुन रहे तुम्हें बोल ना चलो जाके रोमान पे से लेके आना है मामा लेके आप नौशीर मेरी हालत नहीं है तो हाथ में रख लेके कैसा दूंगा उन लोगों को पैसे चल रहे है भाई अरे भाई उन लेके एहसान करते रहे पैसे समझ रहा तू तू जाके ला रहे मेरी हालत बहुत थक गई वाला है भैया पैसों से कुछ काम नहीं होने वाला है तुम ऐसे बोलते है हालत थक गई मेरी अब नहीं होता नहीं बाप नौशीर बाकी चुप बजट तुम्हारी है मेरी है गाली मेरे को देना पड़ रहा बुल्ला कैसा कट रहा है चला दिन मुबारक हो।
मेरे भाई क्या फिर से कहा मेगा लगा था हैप्पी बर्थडे टू यू हमजा राइडर बोल के हमजा राइडर